हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास किचन। आज की हमारी रेसिपी है कटहल का कोफ्ता। चलिए बताते हैं मैं इसे कैसे बनाई हूँ। सबसे पहले मैं ये हाफ के जी कटहल और इसमें दो आलू डालकर मैंने छील काट कर अच्छे से उबाल लिया है। अब ये ठंडा हो चुका है, इसका पानी मैं थोड़ा निचोड़ लूँगी। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से मैश करूंगी। ये हमारा अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब मैं ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर ले रही हूँ। ग्रेवी के लिए देखिए मैंने लिया है दो नॉर्मल साइज के प्याज, एक टमाटर, दो हरी मिर्च मैंने लिया है। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दो लहसुन की कलियाँ, ये बड़ी बड़ी लहसुन की कलियाँ हैं इसलिए मैंने दो ही लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और एक इंच अदरक मैंने लिया है। इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी ग्रेवी के लिए। ये मसाला फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लूँगी, दो चम्मच जितना। इसमें मैं सबसे पहले प्याज डालूँगी। एक नॉर्मल साइज के प्याज मैंने काट कर लिया है। ये प्याज मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, वो मुलायम बस होने बाद ज़्यादा नहीं बाकी सी। इसमें मैं एक नॉर्मल साइज के बिल्कुल छोटे से, नॉर्मल भी नहीं बिल्कुल छोटे से एक टमाटर कट करके मैंने लिया है। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी गोलकी पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट रखा है, ये मैं डालूंगी इसमें। और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, थोड़ा फ्राई करूंगी मसाला जब तक अच्छे से फ्राई ना हो जाए तब तक मैं इसे चलाती रहूँगी। अब देखिए दोस्तों, मसाला मेरा लगभग भुना गया है। अब मैं मटेरियल के मुताबिक एक चम्मच नमक डालूँगी, स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं कम ज़्यादा। और अब मैं इसमें ये मिश्रण जो मैंने बना कर रखा है आलू और कटहल का, इसे मैं डालूँगी इसमें और अच्छे से मिक्स करूंगी। और इसे मैं दो तीन मिनट तक थोड़ा पकाऊंगी इसमें मसाले के साथ। ये देखिए दोस्तों, दो से तीन मिनट हमारा हो गया है मिश्रण का, ये अच्छे से फ्राई हो गया है हमारा। अब मैं इसे इसका फ्लेम बंद करूंगी गैस का और इसे किसी बर्तन में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूँगी। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ दोस्तों। ये मैंने थोड़ी सी बेसन ली है कोफ्ते के लिए, लगभग 100 ग्राम बेसन होगा ये हमारा। और इसमें पिंच भर हल्दी पाउडर डालूँगी और पिंच भर मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन मंगरेला मैं इसमें डालूँगी और स्वाद अनुसार नमक, ये मैंने आधी चम्मच ली है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और पानी की सहायता से मैं इसे मिक्स करूंगी। खूब गाढ़ा घोल इसका नहीं चाहिए दोस्तों, मीडियम चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो, जितना ज़रूरत हो उतना पानी आराम से हम देकर इसे बना सकते हैं। देखिए ये हमारा घोल तैयार है और जब तक मिश्रण ठंडा होता है तब तक मैंने ये घोल बना लिया है। देखिए दोस्तों, ये मिश्रण भी हमारा ठंडा हो गया है, तब तक इसे मैं
छोटे छोटे गोली में बना कर रख लूँगी पहले इस तरीके से। ऐसे आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, जैसी आपकी पसंद। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। इस तरह से मैं सारे मिश्रण का बना कर रख लूँगी पहले। जब तक मैं इसकी गोली तैयार कर रही हूँ तब तक ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, तेल डालकर मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने। जब तक गर्म होगा तब तक मेरा इधर भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं ये लोई को ऐसे लूँगी, गोली जो मैंने बना कर रखा है इसे मैं इसे बेसन में डिप करूँगी और तेल में डाल दूँगी। करूंगी अच्छी तरह से, मैं दोनों साइड से इसे सेकूंगी तो ब्राउनिश करके मैं इसे निकालूंगी। चारों तरफ से घुमा कर मैं इसे अच्छे से सेकूंगी और बिल्कुल ब्राउनिश करके मैं इसे निकालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल ब्राउनिश हो गया है, चारों तरफ से अच्छे से सीख गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। फ्रेंड्स ये मैंने सारे मिश्रण को तल कर रख लिया है और इसमें हमारा ये थोड़ा सा तेल जो बचा है इसी में मैं ग्रेवी के लिए मसाले फ्राई करूँगी। तेल हमारा बिल्कुल गर्म है, इसमें ये जो मैंने ग्राइंडर में पीस कर रखा है ग्रेवी डाल कर इसमें फ्राई करेंगे। दोस्तों मैंने ग्राइंडर में जो मसाला कर रखा था उसे डाला है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी गोल मिर्च पाउडर डालूंगी और साथ में डालूंगी मैं एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा आएगा, टेक्सचर अच्छा आएगा इससे। और साथ में ये मैं दो तेज पत्ता डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक डालूँगी मैं। पहले थोड़ा सा मसाला पहले भूंज ले रही हूँ फिर मैं नमक डालूँगी। ये देखिए दोस्तों ग्रेवी का मसाला हमारा फ्राई हो गया है। ये देखिए साइड साइड से हमारा ऑयल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मसाला रेडी हो गया है हमारा। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। और पानी के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें नमक डालूंगी। देखिए सब कलर टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है और मैं इसमें यस पानी के अकॉर्डिंग नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। एक उबाल आने तक मैं इसे चलाती रहूंगी इसी तरह। ये देखते दोस्तों ग्रेवी में हमारा उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें ये पकौड़े डालूंगी। पकौड़े डालकर बस एक उबाल आने तक मैं इसे चलाऊंगी, इसमें पकाऊंगी इसे बस एक उबाल आने तक ही, ज़्यादा नहीं। एक उबाल आते ही मैं इंडक्शन ऑफ कर दूंगी। देखिए उबाल आ गया है हमारा, इसे ज़्यादा उबालना नहीं है, बस एक उबाल आना तक था हो गया है। और अब मैं इसे बंद कर रही हूँ। ये हमारा कटहल का कोफ्ता बनकर तैयार है। ये देखिए दोस्तों हमारा कटहल का कोफ्ता बनकर तैयार है। इसे आप लोग घर पर ट्राई करें, जिसे पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।